हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास आपकी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए, और डीसी जनरेटर चैप्टर जो कि आपका कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर क्या कार्य करती है और इसका क्या कार्य सिद्धांत होता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा डीसी मोटर, यहाँ मैंने चैप्टर का नाम डाल दिया है। तो देखिए, डीसी मोटर का कार्य क्या होता है। मोटर क्या होती है आपकी, कि मतलब कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, उसे क्या कहा जाता है, मोटर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेंगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका कार्य कि डीसी मोटर करती क्या है। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कि होता है आपका एसी मोटर होती है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, एसी विद्युत ऊर्जा क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक, अब ये क्या है, हमारा यहाँ पर डीसी मोटर है, तो यहाँ पर डीसी जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, इसको हम क्या करेंगे, डीसी देंगे, डीसी प्रदान करेंगे, तो ये उस डीसी को क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, अब इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, देखिए, कार्य सिद्धांत देखो, कार्य करने का सिद्धांत डियर इसका होता क्या है, कि जो आपका चालक है, चालक के जो घूमने की दिशा होती है, चालक मतलब कि जिसमें करंट बह रहा हो, ठीक, चालक के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा कार्य सिद्धांत होता है। देख लेंगे कि चालक के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड या बाएं हस्त नियम, बाएं हाथ नियम, नियमानुसार क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। ठीक है, जो कि हमारा होता है F इजिकल टू B इंटू I इंटू क्या होता है, हमारा L। ठीक, F क्या होता है, हमारा यहाँ पर फोर्स होता है, और B हमारा होता है यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी, जिसमें कि I हमारा यहाँ पर होगा करंट, और L होता है लंबाई यानी कि लेंथ। ठीक है, अब देखिए, करंट का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और लंबाई का मात्रक हमारा मीटर होता है। ध्यान रखेंगे डियर कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, मात्रक क्या होगा, मीटर, इसका क्या मात्रक होगा, एम्पियर। और ये क्या है हमारा, ये है डियर हमारा जो आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, एफ हमारा होता है फोर्स। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है कि जो आपकी मोटर होती है, डीसी मोटर, ये क्या करती है, आपका विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, ध्यान रखेंगे कि विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा में,
और यदि हम एसी मोटर हमारी है तो एसी मोटर क्या करेगी, एसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि हम उसे एसी दे रहे हैं। ठीक, कार्य सिद्धांत क्या होता है इसका, कि जो चालक के घूमने की दिशा है, रोटेशन की जो दिशा है चालक के, उसकी दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा ज्ञात की जाती है। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड है मेरा और ये आप देख रहे होंगे इस टाइप से, ठीक है, ये क्या है हमारा अंगूठा है और ये हमारी तर्जनी उंगली है और ये आ जाती है हमारी मध्यमा उंगली। ठीक, तो ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड रूल जिसके बारे में अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, या हम यूं कह दें कि लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, किसका, फ्लेमिंग का। तो ये हो जाता है हमारा फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या होगा। देखिए ये क्या है, ये है हमारा लेफ्ट हैंड जो कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो थंब है, ये फिंगर इसके 90 डिग्री पर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि जो थंब है हमारा तर्जनी उंगली के 90 डिग्री पर होगा और तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के 90 डिग्री पर होती है। ठीक, अब देखिए ये जो है आपका ये, ठीक है, थंब हमारा क्या बताता है और हमारी तर्जनी उंगली क्या बताती है और ये वाली मध्यमा उंगली क्या बताती है। ठीक है, तो जान लेंगे इसके बारे में अच्छे से यदि मैं आपको, चलिए मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि देखिए जो हमारा क्या है, जो ये हमारा थंब है, चालक पर जो आरोपित बल होता है यानी कि लगाया गया आरोपित बल जो होता है ये उसकी दिशा को बताता है और ये वाली फिंगर हमारी जो बताती है चुंबकीय क्षेत्र को बताती है और मध्यम उंगली यानी कि जो ये इसके 90 डिग्री पर है ये बताती है हमारी धारा की दिशा को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। यदि हम यहाँ पर हैंड ही ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझने के लिए काफी है, ठीक है ना, और ये आ जाता है हमारा थंब। ठीक, देखिए ये क्या आ गया, हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड ये हमारा हो जाता है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि जो आपका ये थंब है यानी कि अंगूठा जो है, अंगूठा क्या करेगा, आपका जो आरोपित बल है ये बल की दिशा को बताता है, ठीक है, यानी कि गति को। ये वाली फिंगर क्या बताती है, आपकी चुंबक के क्षेत्र को बताती है। चुंबकीय क्षेत्र को बताती है और ये वाली फिंगर जो है आपकी ये बताती है करंट को यानी कि धारा की दिशा को। तो ध्यान रखेंगे आप इस प्रकार से, यानी कि तर्जनी उंगली आपकी बताती है चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा उंगली आपकी बताती है धारा को और फिर आपका जो थंब है, अंगूठा है, वो बताता है चालक पर जो बल आरोपित है उसकी दिशा को बताता है आपका अंगूठा, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं थंब। तो देखिए डियर यहाँ पर क्या आपका होता है कि जो ये है आपका फर्स्ट चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ये फिंगर्स होती हैं तर्जनी उंगली, मध्यम उंगली के नाइन्टी डिग्री कोण पर
होती है। सेम आपका जो थंब होता है यानी कि अंगूठा, अंगूठा आ क्या होता है, अंगूठा, तर्जनी फिंगर या उंगली के 90 डिग्री कोण पर होता है। यानी कि यहाँ पर है कि जो आपके ये फिंगर्स हैं ये एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। अब जैसे अंगूठा है और ये वाली फिंगर है, ये 90 डिग्री पर होगी, ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर ये आपकी 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये होता है आपका आर्मेचर, ठीक है, और ये होते हैं आपके पोल शू, ये होते हैं आपके फील्ड पोल, ठीक। ये होते हैं आपके पोल शू, ये होते हैं फील्ड पोल जिसे बाइंडिंग की होती है, ये फील्ड पोल आपके होते हैं, ये पोल शू होते हैं, और ये होता है आपका आर्मेचर जिसमें क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं जिसमें कि कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। और ये बीच में आ जाता है हमारा कम्यूटेटर जिसे दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है, ठीक। और ये क्या लगे हैं आपके, कार्बन ब्रश लगे हैं, ठीक है ना। ये हो गई हमारी वाइंडिंग, ये हमारी वाइंडिंग क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, और जो ये हमारे क्या होते हैं, कार्बन ब्रश होते हैं, इनसे क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, डीसी मोटर में जो कार्बन ब्रश हमारे होते हैं हम इन्हें इनपुट देते हैं, ठीक है। जबकि डीसी जनरेटर में हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश से आउटपुट निकालते हैं, है ना, कार्बन ब्रश से आउटपुट निकालते हैं, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं आपके पोल शू, ये हो जाते हैं आपके फील्ड पोल, ठीक है, जिसमें कि क्या होती है, कॉपर की बाइंडिंग की होती है, और ये होते हैं आपके कार्बन ब्रश जो किसके बने होते हैं, कार्बन के, ठीक है ना। तो देख लेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम फील्ड पोल के बारे में। फील्ड पोल, देखिए फील्ड पोल क्या है, ये क्या होता है, जो आपकी बॉडी होती है यानी कि योक जो होता है डीसी मोटर का, उस पर जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो फील्ड पोल है हमारे, ये डीसी मोटर की बॉडी पर जुड़े होते हैं, ठीक, डीसी मोटर की बॉडी पर जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया होता है, जो यहाँ पर फील्ड पोल में जो बाइंडिंग आप देख रहे हैं, ये बाइंडिंग कॉपर की जाती है, ठीक है, कॉपर की क्या होती है, बाइंडिंग होती है, आप चाहें तो इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बाकी मैं आपको ये समझाने के लिए ही लिख रही हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको याद भी रहे, आप इसको नोट करते रहे अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर की बाइंडिंग यहाँ पर की होती है, और आपका क्या होता है, यहाँ पर जो ये फील्ड पोल है, फील्ड पोल देखिए करते क्या है, फील्ड पोल आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, तैयार करते हैं, यानी कि जनरेट करते हैं, फील्ड पोल चुंबकीय क्षेत्र को तैयार करते हैं, ठीक है, ये इनका हो जाता है कार्य, चुंबकीय क्षेत्र। अब जो आपके फील्ड पोल होते हैं और पोल शू आपके होते हैं, तो देखिए पोल शू फील्ड पोल का दो गुना होता है, ये मैं आगे आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी फील्ड पोल की बात। अब देखिए बात आती है यहाँ पर योक की, यानी कि बॉडी की, देखिए बने किस चीज़ के होते हैं ये, तो डियर ये बने होते हैं आपके कास्ट आयरन के,
ठीक है। डीसी मोटर की बॉडी पर जुड़े होते हैं, कॉपर की वाइंडिंग इनमें की होती है और इनका कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करना, जिसमें कि पोल शू का कार्य होता है उसी चुंबकीय क्षेत्र को फैलाना, ठीक है। और यहाँ पर फील्ड पोल बने किसके होते हैं, कास्ट आयरन के। अब आगे देखते हैं, हमारा आ जाता है योग, जिसे कहते हैं हम बॉडी, ठीक है, बॉडी यानी कि इसका सुरक्षा कवच। देखिए जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर के अंदर जो भी पुर्जे होते हैं, जैसे कि आपकी वाइंडिंग हो गई, कम्यूटेटर हो गया, कार्बन ब्रश हो गया, पोल हो गए, फील्ड पोल हो गए, तो इनकी क्या करता है, योक जो है ये इनकी सुरक्षा करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, जैसे कि आप अपने फ़ोन के ऊपर क्या लगाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए कवर लगाते हैं, उसी प्रकार से इसके ऊपर भी एक कवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं, ठीक है। तो योग क्या करता है, सबसे फर्स्ट चीज़ है योग, हम क्या करता है, डीसी मोटर के पुर्जों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए डीसी मोटर का कार्य क्या होता है, जो आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय रेखाओं को क्या करता है, चुंबकीय रेखाओं को पथ प्रदान करता है या फिर रास्ता दिखाता है, ठीक है, पथ प्रदान करता है क्या, चुंबकीय योग हमारा क्या करता है, चुंबकीय रेखाओं को पथ प्रदान करता है, ठीक है डियर। देखिए अब ये बना किसका होता है, तो मैं बात करूं इसकी, तो ये बना होता है आपका, बना होता है किसका, बना होता है कास्ट आयरन का, ठीक है। मोस्टली चीज़ें इसमें कास्ट आयरन की ही बनी होंगी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कास्ट आयरन का। अब देखिए एक चीज़ और हम समझ लेंगे कि जो आपकी छोटी डीसी मोटर्स होती हैं उसमें किसका बने होता है, योक कास्ट आयरन का, और जो आपकी बड़ी मशीनें हो जाती हैं उसमें कास्ट स्टील की बॉडी बनी होती है और कास्ट स्टील की ही बाकी चीज़ें बनी होती हैं, क्योंकि बड़ी मशीन है, वर्क ज़्यादा करेगी, लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो उसको सुरक्षा भी अच्छी चाहिए होगी, तो यहाँ पर कास्ट स्टील, यहाँ पर क्या होता है, बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कास्ट स्टील, ये हो जाता है आपका किस का बना होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम, जो हमारा आता है पोल शू, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि पोल शू का कार्य क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको फैलाना, ठीक है। पोल शू का कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र को फैलाना, और पोल हमारा क्या करता है, फील्ड पोल करता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है यानी कि तैयार करता है। अब आ जाता है हमारा पोल शू, जो ये है हमारा, ये हमारा पोल शू है, ठीक है। तो देखिए डियर, पोल शू का कार्य क्या होता है, जो आपकी चुंबकीय रेखाएं होती हैं या चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय रेखाओं को फैलाना इसका कार्य होता है, ठीक है, फैलाना, ये तो हो गया इसका कार्य। अब बात करते हैं कि ये बना किसका होता है, ये बना होता है आपका कास्ट आयरन का, ये पोल शू, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि पोल शू फील्ड पोल का दो गुना होता है, ठीक है, पोल शू फील्ड पोल का दो गुना होता है, दो गुना फील्ड पोल का, ठीक, ये हो जाता है आपका पोल शू। अब बात करेंगे हम आर्मेचर की, तो देखिए आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर में स्लॉट कटे होते हैं जिसमें कि कॉपर की वाइंडिंग की होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आर्मेचर में स्लॉट्स कटे हैं जिनमें क्या है, कॉपर की वाइंडिंग की हुई है। तो देखिए आर्मेचर
क्या होता है ये, किसका बना होता है, सबसे पहले इसकी बात हम करेंगे। देखिए इसका प्रतिरोध कितना होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध आपका होता है 0.5 से 1 ओम तक। ठीक है, 0.5 से 1 ओम तक इसका प्रतिरोध होता है आर्मेचर का। और आर्मेचर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। देखिए बना तो ये होता है आपका आयरन का ही। ठीक है, क्या होता है आर्मेचर आपका आयरन का ही बना होता है, जिस पे क्या किया जाता है, सिलिकॉन स्टील की परत चढ़ा दी जाती है, किस लिए कि उसमें लॉस ना हो। ठीक है, अब देखिए ये बना किस चीज़ का होता है यानी कि कैसे बना होता है, तो ये आपका पत्ती नुमा इसकी आकृति होती है, पत्ती नुमा आकृति होती है। अब देखिए डियर, पत्ती नुमा ही क्यों बनाया जाता है, हम तो वैसे ही बना सकते हैं ना। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ये बिल्कुल गोल सा है, तो गोल नहीं होता है आर्मेचर, ये सिर्फ आपको एक अंदर का पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, कभी आप अपनी आईटी में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ देखना, प्रैक्टिकल जब हो रहा होगा तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्मेचर देखने को मिलेगा। आर्मेचर जैसे कि होता है, तो आर्मेचर आप देखेंगे उसमें कि एक कुछ इतना बड़ा सा होता है उसमें, वही आपका आर्मेचर होता है, जिसके अंदर क्या होता है आपका कम्यूटेटर होता है, कार्बन ब्रश लगे होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कुछ लंबा सा आपका होता है आर्मेचर। आप देखना, आप अपने इंस्ट्रक्टर से आप पूछ सकते हैं कि सर हमें आर्मेचर दिखाइए, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ये होता है आपका पत्ती नुमा आकृति, इसकी बनी होती है। क्यों बनाते हैं, जिससे कि भंवर धारा हानि कम हो। ठीक है, बैकग्राउंड की आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि होली थी, तो होली की वजह से हमारे यहाँ पर थोड़ा शाम के टाइम में कुछ होता है, तो वहीं की उसी की आवाज़ है, ढोल वगैरह की आवाज़ आपको आ रही होगी, है ना। तो ये हो जाता है हमारा आर्मेचर के बारे में। क्यों, देखिए यहाँ पर आर्मेचर जो है ये सिलिकॉन स्टील का बना आपका होता है, प्रतिरोध इसका होता है 0.5 से 1 ओम तक, और इसकी आकृति पत्ती नुमा होती है। पत्ती नुमा क्यों बनाया जाता है आर्मेचर को डियर, तो ये होता है आपका भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके लिए हम ये आर्मेचर को पत्ती नुमा आकृति का बनाते हैं। अब देखिए कार्बन ब्रश की मैं बात करूँ, तो कार्बन ब्रश यहाँ पर जो लगे हैं आपके, ये यहाँ पर लगे हैं कम्यूटेटर से सटे हुए हैं। अब क्या करता है, जब आपका कम्यूटेटर रोटेट करता है तो कार्बन ब्रश से यहाँ पर इसको फ्रिक्शन होता है, इससे क्या करता है यहाँ पर विद्युत धारा लेता है। ठीक है, जो आपके कार्बन ब्रश यहाँ पर हैं, हम इनको क्या करते हैं यहाँ पर इनपुट देते हैं। ठीक है, इनपुट देते हैं, और हम डीसी जनरेटर में क्या कर रहे थे, आउटपुट दे रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाता है कि हम यहाँ क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और डीसी जनरेटर में हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कार्बन ब्रश। अब कार्बन ब्रश की आप बात करेंगे कि मैम डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश के अलग अलग बने होते हैं, नहीं। तो डियर यहाँ पर भी कार्बन ब्रश आपके कार्बन के ही बने होते हैं। ठीक है, और मतलब कि जो आपकी डीसी मोटर है और डीसी जनरेटर है, संरचना इसकी बिल्कुल सेम है। बस क्या है आपका कि जो आपका डीसी जनरेटर है, जब आपको उसको स्टार्ट करेंगे तो राइट हैंड से आप क्या करेंगे, उस पर बल लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, राइट हैंड रोल पर वह वर्क करता है इस प्रकार से। ठीक है, राइट हैंड रोल पर वर्क करता है डीसी जनरेटर, और जो आपका डीसी मोटर होता है ये आपका लेफ्ट हैंड रोल पर वर्क करता है, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर यहाँ पर वर्क करता है। बाकी चीज़ों के मैंने बारे में मैंने आपको समझा दिया है, कल पढ़ेंगे हम कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बारे में। तो आज तक की क्लास डियर बस यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहें। और क्लास आपको अच्छी लगे तो डियर लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। ठीक है।